जी ये मेरे पास नंबर है, ये वाला 54 वाला। जी मेरे साथ में जैसे बीमारी भी रहती है, मेरी बेटी को हुई थी और मेरी वाइफ के साथ भी ऐसा ही हुआ था। एक मोबाइल के चोरी के चक्कर में हमको पुलिस के पास जाना पड़ा था। अच्छा, मतलब गलत तरीके से फंसाने की कोशिश करी होगी। हाँ, वो जैसे उसको उठाने के लिए गए थे तो वो कहने लगा हमारा मोबाइल चोरी कर लिया तुमने। हाँ, मतलब आपके ऊपर गलत इल्जाम लग गया कि आपने मोबाइल चोरी कर लिया। चलो अब बस यही बोल सकती हूँ, अभी पढ़ लो और उसके बाद इन्हें नंबरों को दूर कर दो अपने से जितना हो सके। जी हेलो हेलो जी, वीडियो भी ऑन कर लो, दर्शन दे दो अपने। मैम, सॉरी वो नहीं कर अच्छा सकती ठीक है, बताइए बताइए। मैम। जो 54 और 45 का कॉम्बिनेशन है वो मेरे डैड के फोन में था। मैंने पहले बताया था कि मेरे डैड की डेथ हो गई है, अर्ली डेथ हुई है उनकी। हमारे मतलब तीनों सिस्टर्स के नंबर में 81 था और उनकी अच्छा, मैं 61। पिछली हाँ क्लास जी में हाँ जी ठीक हाँ जी गुरिन। है ठीक है। और मैम मेरे पापा के नंबर में 45 54 था और मेरी दो सिस्टर्स हैं, मतलब नाउ वी मतलब 3 हम मैरिड हैं अभी। और जब पहले मैं अनमैरिड थी तो मेरी दोनों सिस्टर्स को मैरिज के टाइम मतलब प्रॉब्लम आ रही थी उनको, और डैड को लोन इश्यू भी था। और एक बार उन्हें जेल भी, जेल नहीं मतलब उनको मतलब पुलिस स्टेशन जाना पड़ा था। कोई मतलब कार के सामने कोई आ गया था लेकिन उसने मतलब जानबूझ के गलत एलिगेशन लगा दिया कि डैड ने एक्सीडेंट किया है और वो पैसे डिमांड कर रहा था, 2 लाख ले रहा था वो। लेकिन वो पता नहीं कैसे मतलब बच गए डैड, और हमें 40,000 और 50,000 में मतलब मतलब सुलह हो गई थी हमारी। तो हाँ, डैड को मतलब आई थी प्रॉब्लम उस, और डैड की ट्रीटमेंट भी चल रही थी, हॉस्पिटल के काफी चक्कर लगे, उनकी मेडिसिन चल रही थी, उनका स्टंट डाला हुआ था मतलब उनको। 54 में सारे इंपैक्ट दे दिए थे ना आपके हाँ फादर ने, जी है बिल्कुल ना। बिल्कुल हाँ जी चलो, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग गुरिंदर जी। थैंक यू।